Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu aleyke ya seyyedi ya Resulallah. Ve ala alika ve ashabika ya seyyedi ya Habiballah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Umid hai sab khairiyat se honge. Aaj inshallah sab ajal hum baat karenge 3 piece loan ki. Arz ye hai ki video complete dekhiyega, inshallah aapko benefit hoga. Ab ye bhi nahi samajh la rahe iski starting kahan se karein. Basically ye Sana Safi Naz aapne brand suna hoga, iske upar bhi mention hai, packing bhi wahi hai. Mukhtalif andaaz se iski sale ho rahi hai. Ek to ye hogi ki bag humne apne banwaye hain, maal andar original hai. Yahan ye bhi keh sakte hain ki कार्ड वैसे लुक ही दे रहा है और मेरे ख्याल से वेट वाइज भी वैसा ही है. कार्ड जी हमने अपना बनवाया है और बैग अपना बनवा दिया जी सना सफी नास का. माल अंदर ये देखें जी, बल्कि वैसे स्टैंप भी आ गई है. ये जी सना सफी नास ब्रांड है, उसकी कॉपी है, ओरिजिनल है. कोई कुछ कह रहा है ओरिजिनल है, कोई कह रहा है ए प्लस कॉपी है, कोई ये भी बोल रहे हैं सेम एज ओरिजिनल. अब मेरे जैसों को नहीं ना समझ लाती कि सेम एज ओरिजिनल क्या होता है. शायद ओरिजिनल हो या ओरिजिनल जैसी हो, ये नहीं समझ लाती ज़्यादातर कि यार ये रिप्लिका तो नहीं है. क्योंकि हर कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता. एजुकेटेड से मुराद ये नहीं होता दुनिया की तलीम हासिल कर ली वही एजुकेटेड है. नहीं मतलब नहीं भी समझ लाती मेरे जैसों को. मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं समझ लाती. तो कोशिश किया करें जब भी कोई भी वीडियो बनाए, ज़रूरी नहीं मैं कोई भी बनाए, मुझ में भी बेशुमार खामियां हैं, तो कोशिश किया करें आसान से आसान अल्फाज में समझा दिया करें. क्वालिटी वाइज नो डाउट फैब्रिक बेहतरीन है. स्टैम्प्स अगर आप देखेंगे सना सफी नास की मेंशन होंगी, डिज़ाइन भी वही होंगे. मैंने वैसे वेबसाइट से देखे नहीं है, आप ज़रूर देख लीजिएगा. लेकिन जिस अदारे से ये लिया है वहाँ पर तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 50% इस कैटेगरी में माल सेल होता है. या तो इसको ओरिजिनल करके जो दुकानदार हजरात हैं वो सेल करते हैं, या ए प्लस कॉपी करके सेल करते हैं, या ये भी कहते हैं कि इस फैब्रिक की क्वालिटी ओरिजिनल से भी ज़्यादा बेहतर होगी, प्राइस उससे कम होगी, डिज़ाइन ब्रांड के हैं. मतलब ये है कि जिसका जिस अंदाज से दिल करता वो उस अंदाज से इसको आपके सामने पेश कर देता है. हम भी कोशिश करेंगे. इसकी स्ट्रेट बात यह है कि बनानी नहीं थी वीडियो, लेना भी नहीं था. सिर्फ और सिर्फ यही है कि नॉलेज बेस पे आपको इजाफा हो. देखें बिल्कुल ज़्यादातर अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी मैंने जैसे सुना है बता देते हैं कि ये रिप्लिका है या ए प्लस कॉपी है या सेम एज ओरिजिनल है. दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है, लाइट वेट, जिस तरह आपको लास्ट टाइम हमारे गए ना वाइल्ड दुपट्टे वाले, ऑलमोस्ट कह सकते थे, लेकिन उससे कुछ हल्का होगा, बहुत नहीं. मे भी आप में से ज़्यादातर को फील ही ना हो, वैसा ही फील हो. अच्छी क्वालिटी बनी है, मैंने भी जब ये दुपट्टा देखा अच्छा फील है. इसकी क्वालिटी मैं बताता हूँ आपको, क्वालिटी भी कौन सी है. डिज़ाइन तो जी इसके वही होंगे जो सना सफी नास के हैं. स्टैम्प्स सना सफी नास की ही है, जैसा कि इधर भी आप देखेंगे सना सफी नास ही लिखा हुआ है. ट्राउज़र की क्वालिटी भी आपकी नज़र में बहुत अच्छी होगी, हमारी नज़र में ये स्टैंडर्ड है. तो लेकिन मैं अगेन अर्ज करता चलूँ, ये वही माल है जो आपको सेम एज ओरिजिनल करके मिलता है या ए प्लस कापी में मिलता है. कोई भी इसको ए कापी या बी कापी नहीं बोलता, ए प्लस बोलेंगे या मास्टर कापी बोलेंगे या सेम एज ओरिजिनल बोलेंगे, इस तरह आपको मिलता है. प्राइस भी आपको जी 30% ऑफ है, शायद कोई 50% भी कहता हो, लेकिन इंशाल्लाह ये 50% से ज़्यादा ऑफ होगी, उस लिहाज से आ जाता है. देखें आप लोगों से एक अर्ज़ ये है, ठीक है हमारा ये नाअहली कह लें कि हम अभी भी ना ज़हनी ग़ुलाम हैं, बस जी ब्रांड होना चाहिए, ये नहीं पता उसमें है क्या. क्वालिटी बहुत अच्छी है कि ब्रांड के डिज़ाइन बहुत आला है. समटाइम्स ऐसे डिज़ाइन भी होते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते कि यार ये ब्रांड ने किस तरह बना दिया है. लेकिन ज़ाहरी बात है ब्रांड भी तो किसी ना किसी वजह से तो फेमस हुआ है. एक ही डिज़ाइन ये वाला आ जाएगा, नो डाउट अच्छा डिज़ाइन है. सना सफी नास ब्रांड है, उसका माल है. आज मैं माजरत लाऊंगा, मैं भी आपको भी वीडियो का ज़्यादा मज़ा ना आए क्योंकि हमने कभी इस तरह बनाई नहीं है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न थी, नॉलेज बेस पे सेल तो करेंगे लेकिन आपके साथ भी शेयर हो क्या रहा है.
बैग जितने भी आप देखेंगे, जिस तरह हमारा बी का लोगो होता है, नहीं ये जिस तरह सफीनास का लोगो होगा। आप लोगों से एक इल्तिजा ये करनी, अब आप कहीं से भी इसको, ज्यादातर दुकानदार हजरात भी, क्योंकि उनको भी आइडिया, अच्छा यार ये सना सफीनास के स्टैम्प्स हैं, डिजाइन भी वही है। मेरे ख्याल से आप वेबसाइट पर भी देखेंगे वही आएंगे, मतलब यही डिजाइन आएंगे। लोन दुपट्टा है, लोन की ही शर्ट है, नेक प्रिंटेड होंगे, एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी बनी हुई है, लोकल नहीं है। मैं अगेन अर्ज करता चलूँ, जैसे आपको बिन नसार की क्वालिटी आती है, ऑलमोस्ट वैसी क्वालिटी है। माह जबीन जिनको गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिमांड है, दोबारा भी लॉन्च करेंगे। एक अर्ज ये भी है, इस वालिये में भी एक सूट देंगे माह जबीन का भी, लेकिन माह जबीन से ये वाली क्वालिटी, ट्रोज़र तो ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, दुपट्टा और शर्ट की क्वालिटी उससे कुछ बेहतर है। तो अब देखें, वो भी हमने सेल करना, ये तो एक ही दफ़ा करेंगे मेरे ख्याल से, दोबारा शायद ना करें, क्योंकि दिल ही नहीं मानता, बस ऐसी बना रहे हैं वीडियो, बिलीव करेंगे आज उतना मुझे खुद नहीं, मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का भी। तो इसमें एक मैंने अमेंडमेंट खुद करवाई थी, अगर आप इसका फेस देखेंगे ना, फेस ब्लर किया हुआ है, ये शरी मामलात हैं जिस वजह से ये फेस ब्लर कर दिया गया था। इवन के ये पूरी तस्वीर आ सकती थी आपको, कार्ड नो डाउट बिन नसार वाले जैसे होते हैं वैसे कार्ड ये है, अच्छी चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल कॉपी किया गया है। तो इसमें खुदा रा रिक्वेस्ट है, जो भी रेप्लिका माल सेल करते हैं, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ जी ये रेप्लिका है, अच्छा जी ज़्यादातर आप लोगों को भी पता है कि हाँ यार ये रेप्लिका माल है, लेकिन कुछ कस्टमर्स आपके पास ऐसे भी आएंगे, उन बेचारियों को पता नहीं होगा कि ये कौन सा है, आपके दिल में उस टाइम भी आ सकता है, नहीं इसको तो पता नहीं, मैं इसको ओरिजिनल कह के दे दूँ, इसको ऐसे करके दे दूँ, ये चांसेस हैं दो नंबरी के ज़्यादा। तो इसलिए मैं कुछ खिलाफ होता हूँ या मुझे नहीं पसंद रेप्लिका का काम, तो वजह यही आ जाती, बिलफर्ज मैं नहीं करूँगा जी, मैं तो बता दूँगा जी ये रेप्लिका है, ये ए प्लस है, ये बी है, ये सी है, जो भी वट एवर। वैसे आज तक मैंने सुना नहीं है कोई भी बोले ये बी कैटेगरी की रेप्लिका है या सी कैटेगरी, नहीं, ज़्यादातर यही आता है कि मास्टर कॉपी सेम एज ओरिजिनल या ए प्लस। तो देखिए सेल करने के हर बंदे का अपना ट्रेंड है। इसमें अगर आप देखेंगे इस डिज़ाइन में भी, अच्छा रिक्वेस्ट है डिज़ाइन आप देखते जाइएगा, कंट्रास्ट में ये आ जाएगा, जैसा कि तस्वीर में भी कंट्रास्ट है, इसमें भी कंट्रास्ट ही है, तो इससे भी यही फील होता है कि ये बाकी सारी डिज़ाइनिंग इन ब्रांड की ही हैं जिसका नाम लिखा हुआ है। तो अब एक बात ये भी आती है, ठीक है ये बताना, जहाँ तक पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बनाता था इसकी वीडियोस वगैरह या इस तरह, ये तो कन्फर्म है कि आप रेप्लिका बोल के सेल कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन जिस तरह ये तस्वीर तो हमने ब्लर की हुई है, अगर ना करते वो ठीक नहीं है दिखाना तस्वीर वगैरह ना गैर महरूम की, वो भी ठीक नहीं है। डिज़ाइन इनके नो डाउट ब्रांड है, अच्छे बनाए होंगे, आप देखेंगे आपको भी पसंद आएंगे, उन्हीं के ही डिज़ाइन हैं, लेकिन ये रेप्लिका है। प्राइस इसकी मैं लास्ट पे बताऊंगा और बहुत मुनासिब है, शायद आगे वल्ला आलम इस कैटेगरी की ये प्राइस किसी ने लॉन्च की हो, क्योंकि मैंने यार देखता नहीं हूँ वीडियोस वगैरह, इवन कि अपनी भी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता, बहुत कम होता है कभी देखें, वो भी एक ही लॉजिक होती है कि मैंने 6 माह पहले कैसे बोलता था, क्या बातें करता था, अब क्या चेंजेस क्या आई हैं, तो जस्ट अपनी इसलाह के लिए ज़रूर देखता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे भी नहीं याद मैंने अपनी कौन सी लास्ट कंप्लीट वीडियो देखी होगी। हाँ एक वीडियो ज़रूर देखी थी जो फैज़ान भाई के साथ बनाई थी, तो वो बिल्कुल जी मैंने वो देखी हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं याद कि कोई मैंने अपनी वीडियो कम्प्लीट देखी हो। तो इसमें अर्ज ये है कि डिज़ाइनिंग तो मैं आप इसकी कह ही नहीं सकता, हमने ये बनवाई वो बनवाई, ये तो डिज़ाइनिंग वही है जो सना सफीनास ब्रांड की है, मास्टर कॉपी इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको सीधी सी बात है सी या डी कैटेगरी में कंसीडर करूँगा, क्योंकि यार वो ब्रांड है, हम उसके साथ क्या करते हैं कुछ नहीं पता, बस हमने अपना माल सेल करना है। नो डाउट दुपट्टा अच्छा लगा हुआ है, और मुझे ये भी नहीं पता जो आपको सेम एज ओरिजिनल या ए प्लस कैटेगरी आती है वो कैसी होती है, जो भी ये कस्टमर्स लें वो मुझे बताइएगा ज़रूर, आया कि वो ऐसी ही होती है या इससे बेहतर होती है या क्या कैटेगरी है। प्राइस मैं अगेन बताता चलूँ बहुत मुनासिब होगी, पेमेंट का मेथड हमारा कैश ऑन डिलीवरी होगा। अच्छा जी अब ये वाला दुपट्टा
ऐसे ही सिंपल में आ जाएगा, लेकिन ये ब्रांड का ही डिजाइन है, उसी का ही आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल प्रिंटेड होगा, उल्ट साइड देखेंगे तो इस तरह आ जाएगी। डिजिटल की ये निशानी होती है, उल्ट साइड से ज़्यादा डीप पे प्रिंटिंग नहीं होती, तो ये डिजिटल प्रिंटेड है। डिजिटल प्रिंटेड एक्सपेंसिव होता है रोटरी फ्लैट बेल्ट के। ट्रोज़र मैंने बताया है, जैसा आपको आए थे ना माजलबीन के, अनारकली के नहीं, अनारकली के अच्छे ट्रोज़र हैं, माजलबीन वाले ही ट्रोज़र की कैटेगरी ये लगी हुई है। ओवरऑल जहाँ तक मुझे मालूम है, आगे वल्ला आलम सबका तो नहीं पता होता, किसी को भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में सेल हो रहा है वो यही ट्रोज़र लगता है, जो आप ए प्लस कैटेगरी बोल लें या 90-70 जो लोग अपना भी बनवाते हैं, या आपको रिप्लिका मिलती है शिफोन दुपट्टे वाली, बैम्बर दुपट्टे वाली नहीं, शिफोन दुपट्टे वाली, उसके साथ भी यही ट्रोज़र लगा होता है। ये 80-80 से कम होता है क्वालिटी वाइज, कुछ इसको 80-80 भी कहते होंगे, मतलब हर बंदे का अपना स्टाइल है जी माल सेल करने का। हमारी नीयत यही होती है, जहाँ तक नॉलेज हो, ज़रूरी नहीं इंसान को कंप्लीट नॉलेज हो, ये हो ही नहीं सकता। हम उस लिहाज से 99% कोशिश करते हैं वही बताएं, फिर भी इंसान है, गलती हो जाए तो अल्लाह की रजा के लिए माफ़ फरमा दिया करें। ये जिसका डिज़ाइन आ जाएगा बैक साइड है, अब ये ग्रीन देखा है तो मेरे माइंड में भी बात आई है, हमें तो बहुत इतराज़ करते हैं भाई ग्रीन ना बनाया करें, ये भी तो ग्रीन शेड है। तो बात वही है, ब्रांड ने जैसा कि ये देखेंगे नो डाउट दुपट्टा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जो आपको दिखाने लगा हूँ कंट्रास्ट में है, अच्छा डिज़ाइन फील होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, सिर्फ इस वीडियो का एक ही मकसद था, खुदा रा आंखों के आगे पट्टी जो आपने बांधी है वो उठाएं। आप भी गलत फहमी में ना रहा करें, देखें आप लोग डिमांड करते हैं तो हम जैसे दुकानदार जो होते हैं वो डिमांड करते हैं आगे, किसको, मिल वाले को। प्रोसेसिंग वाले जो हैं, देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोसेसिंग तो करवाते हैं, लेकिन 100 में से 90% जो प्रोसेसर है ना, वो भी अब बेचारा क्या करता है, ब्रांड लॉन्च करता है फेमस ब्रांड, जैसे ये कह लें जी मेरा भी वही छाप दो, पंजाबी में बोला मतलब यही कि जी मेरा भी वही छाप दें आप, वही प्रिंट कर दें आप, क्यों, उसको भी पता यार मैंने अगर अपने डिज़ाइन भी लगवाए तो वो मैं भी सेल ना हो। ब्रांड का तो हर बंदे को पता है, बस एक ना हम माजरत के साथ बात वही आ जाती, हम लोग जहनी गुलाम हैं, बस जी ब्रांड पहनना है, ऐसा ना किया करें। मैं अगर अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, ये कौन सा मैंने ब्रांड पहना हुआ है, वैसे अल्लाह का शुक्र है अपना ही पहना हुआ है, ये जो किन्स मैन लिखा था, जस्ट बताने का मकसद है, इतना एक्सपेंसिव लेने की क्या ज़रूरत है, कि आप पैसे नहीं होते ये बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कम से कम इतना ग्रूम करें कि आपने जो पहना हो आपको खुद इंसल्ट फील ना हो। अगेन अर्ज करता चलूँ, मैं भी आज समझाने में भी ठीक तरह से ना समझा सकूँ, सिर्फ यही होता है कि यार ज़रूरी नहीं है, माल तो सेल होता है, देखें रिज़्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, इंसान अगर करता तो इंसान तो वादे बहुत तोड़ देता है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह सुबहाना ताला की है, इसलिए इस मामले में 1% भी आपने फिक्रमंद नहीं होना, वो मैंने माल ले लिया है अब सेल कैसे करना है, पता नहीं क्या बनेगा, अच्छा मुझे गलत आ गया, मैंने तो अच्छा इसको बता के आगे सेल कर देना, ऐसे ना करें, जो हो वही बताएं। अल्लाह ताला ने आपको जो देना है ना वो आपकी नीयत का देना है। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ बड़ी बातें करूँ जी ऐसे है वैसे है, लेकिन अल्लाह ताला को मेरे दिल का भी पता है कि मेरे दिल में क्या है, ये तो नहीं है जी मैं लोगों को ये दिखा रहा हूँ दिल में कुछ हो रहा है कि नहीं नहीं बस मैंने निकालना है मैंने ऐसी बातें करनी है। अल्लाह सुबहाना ताला को हर चीज़ का इलम है, ये तो हम सब मानते हैं, हमारा ईमान है, इसलिए खुदा रा जो भी बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, कुछ नहीं होता, आपकी इज्जत पे हरफ नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ टाइम के लिए आपकी इज्जत कम भी होगी ना, लेकिन इन फ्यूचर या ज़्यादा टाइम के लिए आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी अगर आप सच बताएंगे। कुछ नहीं होता, इंसान से गलतियां होती हैं, सच बोलने से ये होता ज़रूर है कि मुश्किल आएगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन सच्चा इंसान हमेशा बहादुर होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसको पता है यार मैंने अगर सच बोला मुझे ये नुकसान हो जाना हो जाए कितनी दफ़ा होगा, वो उससे सीखेगा भी बहुत कुछ। अगर हमें पता है यार नहीं ये गलती तो है लेकिन मैंने झूठ बोल के देना है, बच गया हूँ जी माल भी निकल गया, मैं जस्ट सिंपल सी मसाल इसलिए माल की दे रहा हूँ, मेरे सामने इस टाइम सूट है, ये वाली बात आप अपनी लाइफ में याद रखें, ज़रूरी नहीं किसी भी मामले में झूठ बोलें,
सच बताएं, कुछ नहीं होगा। आप लोग सच बोलने से एक तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहादुर बनेंगे, दूसरा ये होगा कि आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट का नॉलेज होगा। यार इंसान है, अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें अशरफ अल मखलूकात बनाया है, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंसान की। अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे। तो इन चीज़ों का ना कुछ नहीं होगा अगर आप सच बोलेंगे। रिक्वेस्ट है इसका, देखें बिलफर्ज है, लाइक एज मैं इसको झूठ बोल के सेल कर रहा हूँ, माल तो सेल होना है क्योंकि ये अल्लाह ताला ने वादा किया है, रिजक मिलना ही मिलना है, लेकिन ये इंसान पे डिपेंड है उसने हलाल खाना है या हराम खाना है। खुदा ना हास्ता, खुदा ना हास्ता, खुदा ना हास्ता मैं झूठ बोल के भी सेल कर दूँ, माल तो सेल हो गया, प्रॉफिट भी आ गया। इसलिए बोला है ना पैसा आना चाहिए जी, पैसा भी आ गया, मैंने कहाँ लगाना है, अपनी ज़ात पे, अपनी फैमिली पे। खुदा ना हास्ता एक बीमारी भी आ जाए वो सारा ही उधर लग जाए पैसा, क्या करेंगे आप, और सुकून भी नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अल्लाह सुबहाना ताला से रिज़्क़े हलाल की ही दुआ किया करें और हमेशा सुकून मांगा करें, बाबरकत हो जो भी आप काम करें, इन चीज़ों की दुआ मांगा करें। सोच अपनी हमेशा पॉजिटिव रखें, अल्लाह की रहमत से आप कामयाब ही कामयाब हैं। अब लास्ट पर भी इसकी कुछ डिटेल बताता चलूं। टोटल इसमें 9 डिज़ाइन होंगे जिसके ऊपर सना सफ़ी नाज लिखा होगा, उन्हीं का माल तो नहीं, मतलब रिप्लिका के क्या बोलें इसको, मतलब रिप्लिका ही कह सकते हैं, A+B, वो कैटेगरी में नहीं मैं जाऊँगा, जो भी है ये आपके सामने है, क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है A+ कैटेगरी किसको आप कहते हैं। तो जब आपके पास आएगा आप ही बताइएगा ये क्वालिटी क्या थी। लॉन दुपट्टे होंगे, मेजरमेंट ऑलमोस्ट 7.75 या 6.5 मीटर होगी, मतलब ये तकरीबन आप 7.5 मीटर समझ लें, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है वैसे कुछ ज़्यादा ही, आप कुछ कम भी कंसिडर कर सकते हैं, खुदा ना हास्ता 2-3 इंच भी कम हो तो वो झूठ में कंसीडर हो जाएगा, इसलिए एहतियातन बोलेंगे तकरीबन 7.5 मीटर 7.75 मीटर। सूट आपका पूरा ही बनेगा जैसे आपका माजबीन का बन जाता है। टोटल की इसमें 9 डिज़ाइन होंगे। एक सूट की प्राइस लास्ट पे, आज मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो होगी जिसके लास्ट पे बताया, पहले पूरी वीडियो में नहीं बताई एक सूट की प्राइस। अच्छा एक और बात, सॉरी, अगर आप देखेंगे ना हम तो पैकिंग करते हैं तीनों एक ही तरह फोल्डिंग कर दी शर्ट कमीज दुपट्टे की, ब्रांड इसी अंदाज से करता है, शर्ट अलहदा, दुपट्टा अलहदा और ट्राउज़र अलहदा से। तो इसने भी वही काफ़ी सारी की हुई है पैकिंग, क्योंकि हमने इधर नहीं की थी, उनको भी बोला था उधर से पैकिंग करके ही भिजवाएं आप। एक सूट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1300 होगी। देखें इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें मार्जिन नहीं है, इस पर मुझे मार्जिन का नहीं है इशू, मुझे ये था कि अल्लाह के जो मैंने बातें की हैं बेहतर अंदाज से आपको समझ ला सके। इस वीडियो का मकसद जो मैंने सोचा हुआ था वो यही था कि आपको नॉलेज शेयर किया जाए किस अंदाज से काम हो रहा है। इसको मैं फिर अगेन है, मैं नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट कापी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी कापी है, जो भी है आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि वीडियो में तो नहीं हमें पता चलेगा क्वालिटी कौन सी है, जस्ट समझाने के लिए इसको लोग A+ कैटेगरी में या इसको नियर टू ओरिजिनल इस तरह कह के तो सेल करते होंगे जिस तरह ये बनी हुई है। आप इसको ये समझ सकते हैं जिस तरह माजबीन हम 1300 रुपये में दे रहे हैं, अभी भी 1300 ही रेट है, बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत डिमांड थी, तो ये क्वालिटी उससे तो बेहतर है, तो ये भी हम सिर्फ 1300 रुपये में ही देंगे। अब ये भी नाराज़ ना होइएगा जी, अच्छा आपका रेट ये है उन्होंने इतने कर दिया, मैं ये बातें सॉरी टू से ये किसी की नहीं सुनूंगा, ये बनती भी नहीं, बार हाँ आपसे अर्ज कर चुके हैं अपना टाइम ना ज़ाया किया कर। अच्छा आप हमें बताते हैं जी वो भाई तो इतने की दे रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसे कर दिया, वो लूट लिया, यार उन्होंने खुद बोला आप कर लिया आप हमसे ही लें, नहीं तो कोई लूटता नहीं है मेहरबानी, ये अपने माइंड से ना नेगेटिविटी ख़त्म करें, पॉजिटिव सोच लें, अगर बिलफर्ज आपसे किसी ने ज़्यादा पैसे ले लिए यही सोच लें इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी, आप कहीं और सोच लें कुछ और लें, ज़रूरी नहीं होता बंदा एक जगह पे बाउंड हो जाए। अच्छा लास्ट पे एक अर्ज़ ये करूँ, 9 सूट ये होंगे, 8 सूट की प्राइस 1300 होगी। इसके साथ साथ अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप इस साइड पे देखेंगे यहाँ से ले कर ये जितना आप देखेंगे ये ऊपर वाला रैक भी ये नीचे वाले रैक भी ये सब के सब ही माजबीन के हैं। इसमें
8 सूट आएगा, 10 का वॉल्यूम हम बनाएंगे, इनमें से कोई भी आ जाएगा, कोशिश यही करेंगे। मैंने ना वैसे ये जो ज्यादा थे ना डिजाइन, जैसा कि ये रैक भी इसी का है, ये वाला भी इसी डिजाइन का है, ये तकरीबन 60-60 हो जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि इसका एक वॉल्यूम 5 का या 10 का ऐसा बनाएं जो सबको वही डिजाइन लाए। इसमें ये अर्ज करता चलूं, कोशिश होगी इसका एक या दो वॉल्यूम फिर इसी तरह बनाएं। अब कुछ लोग कहते हैं जैसा ये नीचे अगर आप देखेंगे, ये भी सारी मार्जबीन ही भरी हुई है, इसमें क्या है, तस्वीरें नहीं है, कुछ ऐसे ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये वो माल था जो इस सीजन में हमने बहुत ज्यादा सेल की है, नूरगुल था या ये वाला था, ये तो हिट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका एक सूट आ जाएगा, कुरियर चार्जेस 500 होंगे, एक वॉल्यूम की प्राइस बन जाएगी 13,000 10 सूट के, जिसमें 9 सूट सना सफी नास के होंगे, एक इनमें से होगा, तो कोई भी आ सकता है। अब मैं क्यों कौन कौन से डिजाइन दिखाऊं, डिजाइन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 50+ होंगे, डिजाइन है या कलर है काफी प्लेन है, लेकिन कोई भी एक आ जाएगा। इतनी आप भी फेवर दे दें कि एक सूट कोई भी भिजवा दें तो इंशाल्लाह एक सूट भी दिलवा देंगे। जैसा कि ये ब्लैक में आ जाएगा, आप कहेंगे जी ब्लैक भी दिलवाएं, सिलेक्शन नहीं, कोई भी एक सूट आ जाएगा मार्जबीन का। दूसरा इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप कहेंगे ना 3 सूट मतलब 12 सूट का भी सेट लेंगे, कोरियर चार्जेस 500 रहेंगे। वेबसाइट पे हमने 10 की ही अमाउंट लिखी होगी, 13,500 इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस के। आपने एड टू नोट में या एड्रेस में लिख देना जी मुझे 12 भी दिलवा दें, कोरियर चार्जेस 500 ही होंगे। किसी के 13 सूट भी होंगे ना तो कोरियर चार्जेस 500 ही होंगे। उसकी वजह इसका वेट ज़रा कम होता है, तो हमने इसलिए 2-3 सूट भी आप ज़्यादा भी लेंगे उसी कोरियर चार्जेस में आ जाएंगे। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी, अपनी तरफ से तो हमने कोशिश की है कुछ ना कुछ समझाने की, लेकिन हम परफेक्ट तो नहीं हैं। जो जो आपको लगा है ये आपकी मिस्टेक थी या ये अल्फाज ऐसे नहीं ऐसे बोलने चाहिए थे, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इस दफ़ा रिक्वेस्ट है ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके कमेंट्स जो होते हैं हम उसको लाजमी रीड करते हैं, हमारे लिए वही नॉलेज है कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है। लास्ट पे यर्स करता चलूँ, हमारा मेथड कैश ऑन डिलीवरी होता है, एडवांस पेमेंट हम नहीं लेते। वेबसाइट www.businessart.com है, वहाँ पर आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।